गुड मॉर्निंग क्लास, वे कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर टू इन ज्योग्राफी, द सन, द मून एंड द अर्थ. ओके, आवर ऑब्जेक्टिव फॉर द डे इज विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इक्लिप्सिस. इक्लिप्सिस इन हिंदी मीन्स ग्रहण. ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रहण क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है और उनको आइडेंटिफाई या उनकी पहचान कैसे हम कर पाएंगे. ठीक है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इक्लिप्स. ओके, एन इक्लिप्स इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. ओके, एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स रिलेटेड टू स्टार्स एंड प्लैनेट्स. द फील्ड ऑफ साइंस व्हिच स्टडीज प्लैनेट, स्टार्स एंड आउटर स्पेस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. सो दिस वर्ड्स कम फ्रॉम देयर. एन इवेंट मीन्स समथिंग दैट इज हैपनिंग. Okay, so an eclipse is an astronomical event when one object in the sky moves into the shadow of another such object. Okay, मतलब जब sky में दिखने वाला कोई object एक दूसरे object के परछाई के नीचे आ जाता है तो उसको हम eclipse बोलते हैं. Alright, there are two types of eclipses, solar eclipses and lunar eclipses. तो earth से ये दो टाइप के इक्लिप्स दिखते हैं. सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण. ओके, एंड लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण. इन टुडेज क्लास वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट सोलर इक्लिप्स. लूनर इक्लिप्स विल डू इन द नेक्स्ट लेसन. ओके, सो व्हाट इज अ सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स है क्या? सोलर इक्लिप्सिस हैपन ड्यूरिंग अ न्यू मून. ओके, सोलर इक्लिप्सिस कब होता है? न्यू मून के दौरान. इन द प्रीवियस लेसन वी लर्न अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून एक्सेट्रा, राइट? सो अ सोलर इक्लिप्सिस ओनली हैपन ड्यूरिंग अ न्यू मून. ओके, व्हेन द मून मूव्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड द थ्री सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन और ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब क्या है? मून जो होता है वो अर्थ और सन के एकदम बीचों बीच आ जाता है और ये तीन एक सीधे लाइन पे या फिर ऑलमोस्ट एक सीधे लाइन पे अलाइन हो जाते हैं स्पेस में. ओके, नाउ टेल मी हियर, द अर्थ, मून एंड द सन आर अलाइन इन दिस वे. तो हुज शैडो विल फॉल ऑन हुम. अर्थ, मून और सन ऐसे अलाइन हुए हैं तो किसका शैडो किसके ऊपर पड़ेगा? सो एज यू नोटिस हियर, द सन is the only source of light, right? So when the light of the sun is coming from the sun and reaching to earth, okay, the moon comes in between a certain region. Moon beech mein aa jata hai. Okay, aur sun ke light jo aa rahi hoti hai usko wo block kar deta hai. So because of this, moon's shadow will fall on earth. All right, so this is how a solar eclipse occur. All right, let's discuss what are the different types of solar eclipses. Solar eclipses may be teen type hote hain. The first type is called as a total solar eclipse. Okay, the second type is called as a partial solar eclipse and the last type is called as a annular solar eclipse. Now if you can see the diagram, in total solar eclipse the moon is completely covering the sun. All right, जो moon होता है sun को completely cover कर देता है और पूरा वो black दिखता है. Partial solar eclipse has the moon covering only a portion of the sun. So if you can see here, this is the moon in dark, okay, and this is the sun, right? So here in partial solar eclipse the moon covers only some part of the sun and not the complete sun. Okay, and the last type of solar eclipse is the annular solar eclipse, where the moon covers the center of the sun. Sun ka jo center hota hai usko moon cover kar leta hai. Okay, but it leaves out the outer ring. Bahar ek ring type ka reh jata hai. Okay, this type of solar eclipse is called as annular solar eclipse. Now you have to draw these three pictures. Once you are done, we'll be discussing each one of these in detail. Coming back, the first type of eclipse is a total solar eclipse.
ओके एज यू कैन सी इन द वीडियो द मून कवर्स द एंटायर सन एंड इट बिकम्स डार्क. ऑलराइट, नाउ इफ यू आर टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन्स, ये क्यों होता है, वी हैव टू लुक एट अनदर डायग्राम. फोकस ऑन दिस स्पेस डायग्राम वेयर देयर इज द सन मून एंड द अर्थ इन स्पेस. ओके सो बिकॉज ऑफ द सनलाइट द मून हैज टू काइंड ऑफ शेडोज. मून के पास दो टाइप के शेडो होते हैं. ऑलराइट, द फर्स्ट काइंड ऑफ शेडो इज कॉल्ड एज उम्ब्रा. ओके, व्हिच इज द डार्क शेडो, दिस शेडो. ओके, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ शेडो इज कॉल्ड एज पेनुम्ब्रा. ओके, व्हिच इज द लाइट कलर शेडो. ऑलराइट, नाउ द रीजन ऑफ अर्थ डायरेक्टली अंडर द उम्ब्रा विल सी टोटल सोलर इक्लिप्स. अर्थ का वो पार्ट्स जो उम्ब्रा के नीचे आता है डायरेक्टली, जो डार्क शेडो के नीचे आता है, उधर आपको टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा. ओके, और जो पेनुम्ब्रा के अंदर आता है, जो लाइट शेडो के अंदर आता है, उधर आपको पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलेगा. पार्शियल इक्लिप्स क्या होता है, हम आगे देखें. सो इन योर नोट्स यू हैव टू राइट दैट टोटल सोलर इक्लिप्स ऑकर्स when the moon comes in between the sun and the earth and cast the darkest part of his shadow, the umbra, on earth. So this means when the moon is coming between sun and the earth and the darkest shadow of the moon is falling on the earth, then total solar eclipse happens. The darkest shadow of the moon is also called as umbra. Now in the darkest point of the eclipse, umbra, it is almost dark as night. So umbra jis earth ke area pe girta hai, right, that part becomes dark as night. To din mein raat jaisa ho jata hai total solar eclipse ke dauran. All right, and the last point is the penumbra experiences partial solar eclipse. So this area where there is light color shadow, which is penumbra, we are not seeing a total solar eclipse, but we are going to see a partial solar eclipse. So what is a partial solar eclipse? A partial solar eclipse looks like this. So as you can see in the video, the moon moves over a portion of the sun but not the whole sun. ठीक है, moon sun के एक हिस्से के ऊपर से pass हो रहा है but पूरा sun को वो cover नहीं कर रहा है, and this type of solar eclipse is called as partial solar eclipse. Okay, so for your notes you have to write down, a partial solar eclipse happens when the moon comes between sun and the earth but they don't align in a perfect straight line. So if I take a straight line from sun to the earth, so this is a straight line. Okay, so as you can see, partial solar eclipse is seen in this region. Okay, so these region are not coming in the direct straight line, thoda side mein aa raha hai. Okay, so this kind of areas will have partial solar eclipse. Okay, and the second point here is because of this, because it's not in a straight line, the moon only partially covers the sun's disk. So moon jo hota hai bas sun ka ek hisse ko cover karta hai, pura sun ko cover nahi karta hai. Before moving on to the next kind of solar eclipse, I just want to ask you a question. Suppose you are on the earth and living here, okay, and a solar eclipse is occurring. So do you think you will be able to see the solar eclipse from this point on the earth? Earth ke is point se aapko solar eclipse dikhega kya? Okay, as you can see, neither the umbra or the penumbra is covering this area. तो अब मून का जो शेडो है इस एरिया पे नहीं आ रहा है, तो उस एरिया पे आपको सोलर इक्लिप्स देखने नहीं मिलेगा. ऑलराइट, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ओके, ए सोलर इक्लिप्स डजंट हैपन थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, पूरे दुनिया में एक साथ सोलर इक्लिप्स नहीं होता है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम पे सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है. ऑलराइट, कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ एक्लिप्स, एंड हियर वी हैव द एनुलर सोलर eclipse. Now the annular solar eclipse, it is similar to total solar eclipse, but here the moon does not cover the whole sun. ठीक है, जो moon होता है
सन को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाता, तो आपको ऐसा दिखेगा कि मून थोड़ा छोटा है. ओके, सो हाउ इज दिस पॉसिबल, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, दिस वन इज अ डिफरेंट स्पेस डायग्राम. ओके, सो हियर व्हाट हैपन्स इज एन एनुलर सोलर इक्लिप्स हैपन्स व्हेन द मून कवर्स द सन सेंटर बट डज नॉट कवर द फुल सन. तो जैसा मैंने बताया, एनुलर सोलर इक्लिप्स में जो मून होता है सन के सेंटर को कवर करता है बट पूरे सन को फुल्ली कवर नहीं कर पाता. ऑलराइट, इट ऑकर्स व्हेन द मून इज एट एपोजी और फादेस्ट फ्रॉम द अर्थ. ओके, इफ यू रिमेंबर द ऑर्बिट ऑफ द मून वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेसन. ओके, वी हैड पेरिजी एंड एपोजी. पेरिजी इज द पोजिशन ऑफ द मून व्हेन इट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली बिगर. पेरिजी से मून थोड़ा अर्थ से नज़दीक है और थोड़ा बड़ा दिखता है. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड एपोजी इज द पोजिशन ऑफ द मून व्हेन इट इज फादेस्ट अवे फ्रॉम द अर्थ एंड लुक्स स्लाइटली स्मॉलर. सो एपोजी में मून का साइज छोटा हो जाता है, हम उसको माइक्रो मून बोलते हैं. सो एन एनुलर सोलर एक्लिप्स द मून इज एट एपोजी, सो इट इज फार फ्रॉम द अर्थ, सो द साइज ऑफ द मून लुक्स स्मॉलर, दैट्स वाई इट कैन नॉट कवर द होल सन. सो इफ यू कैन लुक एट दिस डायग्राम हियर, द उम्ब्रा इज हियर, द डार्कर पार्ट ऑफ द शेडो एंड इट फिनिशेस इन द स्पेस. तो अर्थ तक पहुँचता ही नहीं है उम्ब्रा, राइट. सो द डार्क शेडो डज नॉट रीच अर्थ, हैंस इट डजेंट बिकम डार्क. सो इन एनुलर सोलर इक्लिप्स इट डज नॉट बिकम डार्क इन द डे. एज यू ऑल नो, लास्ट संडे वी हैड अ सोलर इक्लिप्स, राइट. सो लास्ट संडे सोलर इक्लिप्स वॉज अ एनुलर सोलर इक्लिप्स, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस सम डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. ओके, बिकॉज सन्स रेज आर वेरी हार्मफुल टू योर आईज एंड इफ यू आर नॉट केयरफुल यू कैन डैमेज योर विजन परमानेंटली. सो वॉट आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस, लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट प्रिकॉशन इज डू नॉट वॉच द सन थ्रू डार्क टिंटेड ग्लासेस और फोन कैमरा. ओके, सन ग्लासेस से या फिर फोन के कैमरे से सन को मत देखो. ओके, दिस इज अनसेफ एंड कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस. आपका आँख परमानेंटली खराब हो सकता है इससे. ऑल राइट, सेकेंड इज डू नॉट यूज होम मेड फिल्टर्स और सन ग्लासेस एज दे आर नॉट इफेक्टिव. घर में बनाए हुए जो फिल्टर्स होता है, जैसे सब कुछ लोग एक्सरे शीट लेते हैं, ठीक है, पानी के थ्रू देखते हैं, तो वो सब भी आप मत करो बिकॉज दे आर नॉट इफेक्टिव. वो आपको आइज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता है, आपको आपके आइज़ हार्म होंगे ही. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज अवॉइड लुकिंग द सन थ्रू टेलीस्कोप, बाइनोकुलर एंड एनी अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस. सो टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, इन सब से भी आप मत देखो. ओके, उनसे देखोगे तो आपका आँख और ज़्यादा खराब होगा. ऑलराइट, सो क्या नहीं करना है हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर आपको सोलर इक्लिप्स देखना है तो आप देख सकते हो, बट फॉर दैट देर आर स्पेशल सोलर फिल्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट टू विटनेस द इक्लिप्स. सो आपको शॉप्स में या फिर ऑनलाइन में स्पेशल सोलर फिल्टर्स मिलते हैं. ओके, इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे ग्लासेस मिलते हैं आपको जो स्पेशली इक्लिप्स देखने के लिए होते हैं. ओके, सो दे ब्लॉक 90% ऑफ द सन रेज एंड यू कैन सी द इक्लिप्स सेफली. ओके, सो द नेक्स्ट टाइम देर इज एन इक्लिप्स, ओके, इफ यू वॉन्ट टू सी दिस ओनली यूज दिस काइंड ऑफ ग्लासेस. ऑलराइट, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेसन. You will find today's exercise in the description of the video. Okay, before ending this lesson, let's quickly discuss what we learned today. First, we learned what is an eclipse and what are its types. Okay, so it's two types of solar and lunar eclipse, right? And in today's lesson, we learned how to identify the different types of solar eclipse. Thank you. Please hit thumbs up if you like the video and tell me in the comments if you understood everything. Okay, I'll see you next time when we'll be discussing about lunar eclipse.